गांधी आदिवासियों से माफी मांगो, औरतों से माफी मांगो, शर्म करो, माफी मांगो सोनिया गांधी। स्मृति ईरानी जो कि भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं, चुनाव हारने के बाद लगातार ट्रोलिंग का सामना कर रही हैं। उनके हार के बाद से सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल करने का मौका ढूंढते ही रहते हैं। हाल ही में चुनाव में मिली हार के बाद विदेश जाकर लौटने पर और अमित शाह से मिलने पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट साझा की है जिसमें उन्होंने विभिन्न शीर्ष विश्वविद्यालयों IIM, IIT, NLU के छात्रों के साथ बैठक की तस्वीरें साझा की। इस बैठक में छात्रों ने राजनीति, नीतियों और समाज के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। स्मृति ईरानी ने इस बातचीत का हिस्सा बनने पर खुशी व्यक्त की और CSI इंडिया ऑफिशियल का धन्यवाद भी किया। इस पोस्ट पर अजीत अंजुम जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि अहंकार पर कैसे काबू करें, इस विषय पर आपको काफी अध्ययन, चिंतन और मनन करना चाहिए, मन को शांति मिलेगी। दोस्तों आपको बताते चलें कि स्मृति ईरानी को ट्रोल करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। जब वे मंत्री पद पर थी तो अक्सर गांधी परिवार और विपक्ष पर मुखर होकर बोलती रहती थी। उनकी आक्रामक राजनीति और तीखी टिप्पणियां ने उन्हें विपक्षी दलों और उनके समर्थकों के निशाने पर ला दिया। ट्रोलिंग की यह समस्या केवल स्मृति ईरानी तक ही सीमित नहीं बल्कि यह एक व्यापक समस्या है जो सोशल मीडिया के युग में हर सार्वजनिक व्यक्ति को झेलनी ही पड़ती है। ट्रोलर्स अक्सर नेताओं के व्यक्तिगत और राजनीतिक विफलताओं को निशाना बनाते ही रहते हैं। आपको बताते चलें कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्तियों को ट्रोलिंग के इस दौर में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने की भी आवश्यकता होती है। फिलहाल स्मृति ईरानी जी के इस प्रकार के ट्रोल को आप किस नजर से देखते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।